खुश आमदीद, मैं यास्मीन बेगम आज टेस्ट सीरीज़ उर्दू के सवालात के जवाबात को तफसील से बयान करने जा रही हूँ। तो सवाल नंबर वन यानी सवाल नंबर पहला का पहला, ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? उसके जवाब हैं, ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर दो, ड्रामा में कहानी को किसके ज़रिए पेश किया जाता है? उसके जवाब हैं, ड्रामा में कहानी को किरदारों, मुकालमों और मुनाजिर के ज़रिए पेश किया जाता है। सवाल नंबर तीन, पहला का तीसरा, अरस्तु ने ड्रामे को क्या कहा है? ये आपके सवाल हैं, उसके जवाब होंगे, अरस्तु ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। सवाल नंबर चार, ड्रामे की कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? उसके जवाब होंगे, ड्रामे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाए कि वो नुक्ते उरूज तक पहुँच सके और नाज़रीन की तवज्जो एक नुक्ते या ख़्याल पर मस्कूर हो जाए। सवाल नंबर वन का पांचवा सवाल, शायर किसकी दवा बन जाना चाहता है? जवाब है, शायर दर्दमंद मायूस दिल की दवा बनना चाहता है। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, शायर किस आंसू को सुखाने के लिए हवा बनना चाहता है? तो इसके जवाब होंगे, शायर गमगीन दिल और मज़लूम की आँखों से निकले हुए आंसू को सुखाने के लिए हवा बनना चाहता है। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल, भटकते मुसाफिर के लिए शायर क्या बनकर काम करना चाहता है? तो जवाब, शायर खज़र अलैहिस्सलाम की तरह भूले भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम करना चाहता है। सवाल नंबर दो के चौथा सवाल है कि वतन को शायर किस चीज़ से भरना चाहता है? तो जिसका जवाब होगा, वतन को शायर आराम और खुशी से भरना चाहता है। सवाल नंबर दो क्या पांचवा सवाल, शायर हर अंधेरे को कैसे दूर करेगा? तो जवाब है, शायर दिया बनकर हर इंसान की अंधेरी ज़िंदगी को रोशन करेगा। अब सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली मलका कौन थी? उसका जवाब है, रज़िया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली हिंदुस्तान की पहली मलका थी। सवाल नंबर तीन का दूसरा सवाल, रज़िया किसकी बेटी थी? जवाब, रज़िया दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। सवाल नंबर तीन का तीसरा सवाल, चांदी के सिक्के पर किसका नाम शामिल किया गया था? तो जवाब होता है, रज़िया का, चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम शामिल किया गया था। सवाल नंबर तीन का चौथा सवाल, रज़िया ने बादशाहों की तरह क्या किया? जवाब, रज़िया ने बादशाहों की तरह कबा और कला पहनी। सवाल नंबर तीन का पांचवा सवाल, रज़िया सुल्तान की हुकूमत कहां तक फैली हुई थी? तो रज़िया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। अब सवाल नंबर चार का पहला सवाल, दिल में फरोतनी को कौन जा देता है? जामिन जगह। तो सवाल है कि दिल में फरोतनी को कौन जा देता है? तो उसका जवाब है, जिस शख्स को खुदा
रुतबा अता करता है, वो अपने दिल में आजिज़ी और इनकिसारी को जगह देता है। सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल, अपनी सना यानी तारीफ कौन लोग करते हैं? जवाब, कम अकल लोग अपनी सना यानी अपनी तारीफ खुद करते हैं। अब सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल, दुनिया को अजब सरायफानी क्यों कहा है? तो जवाब होगा, दुनिया की हर चीज़ फना होने वाली और मिट जाने वाली है, इसलिए शायर ने जो दुनिया को सरायफानी कहा है। सवाल नंबर 4 का चौथा सवाल, ज़र्फ खाली के क्या मुराद है यानी क्या माने हैं? जवाब होगा, कम अकल लोग अपनी तारीफ जो है वो खुद ही क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे है उसको तशबीह दी गई खाली बर्तन से, खाली बर्तन जो है से आवाज़ निकलती है और भरा हुआ बर्तन जो है वो आवाज़ नहीं देना देता है। सवाल नंबर 4 का पांचवा सवाल, शायर कौन सी चीज़ दोबारा नहीं लौटने की बात कर रहा है? तो जवाब है, जवानी जाने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आती। ये आपके जवाब सवाल जवाब थे हिस्सा अलिफ के। अब हिस्सा बे की तरफ आइए, पांचवा क्वेश्चन, अब वो है मज़मून जो है आपको, मज़मून की तरफ। मज़मून आपके है कि इस चार मज़मून में से किसी एक को लिखना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर सारे का थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देती हूँ, उसी को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इसमें है मज़मून में है, एक है औरतों की तालीम और उसकी अहमियत। तो आजकल जैसा कि जानते हैं कि तालीम याफ्ता जो औरतें हैं अपनी तालीम और ख़ुद एतमादी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अपने हकूक़ से बाखबर है, किसी की मोहताज नहीं, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क समझती हैं और अनपढ़ लोगों के मुकाबले में बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमारी सरकार भी जो है वो औरतों की तालीम पर ख़ास तवज्जो देती है और आज जो है मर्दों के से कंधा मिलाकर औरतें बहुत आगे बढ़ती हैं। और ये तो पहला हो गया उसका मज़मून का, और दूसरा है बढ़ती हुई आबादी एक मसला। तो बढ़ती हुई आबादी जो है, इस तेज़ रफ्तार आबादी ने हमारे मुल्क व कौम के ये एक संगीन मसला ला खड़ा कर दिया है। बेरोज़गारी का मसला, मुफलिसी और नादारी, पस्त मियार ज़िंदगी, ग़िज़ाई बहरान, वसाइल की कमी, बढ़ती हुई आबादी की वजह से जराइम भी बहुत बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती लूट मार रिश्वत कत्ल व गारत, इखलाक में गिरावट, ये सब बढ़ती आबादी का ही तोहफा है। इसलिए इस संगीन और संजीदा मसले पर बड़ी संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्रामों को एक तहरीक की शक्ल में जो है नाफिज करना होगा और मीडिया के तमाम वसाइल को बड़े मौसर अंदाज में काम करने के लिए लगाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अब है सवाल नंबर 6, उसमें है आपके कि अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी के लिए पर जो है मुबारकबाद देना है। तो यहाँ आपके हो गए हैं, यहाँ पे ख़त लिखना है, अपने दोस्त को ख़त लिखना है और उसको मुबारकबाद देनी है उसकी कामयाबी पे। तो ये है पहले मोरखा यानी तारीख, डेट, मेरे प्यारे दोस्त आदाब, कहो कैसे मिजाज हैं, ना ख़त ना कोई ख़बर, खैर छोड़ो इन बातों को, सुना है कि तुम इम्तिहान में अव्वल दर्जा आए हो, तुम्हें बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह कामयाबी और बुलंद मुकाम अता करे, बहुत जल्द मुलाकात होगी, फ़कत वसलाम तुम्हारा फ़कत। हाँ, तुम्हारा अरशद रज़ा। ये थे ख़त और यहाँ है दरख्वास्त,
छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम छुट्टी के लिए दरखास्त, अपना वो देना है छुट्टी की दरखास्त, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, मौजू 4 रोज़ की छुट्टी। जनाब आला गुजारिश अर्ज़ ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, मुझे यानी 4 दिनों की छुट्टी दी जाए के लिए, चाहे वो आपकी तबीयत ख़राब हो, कहीं जाना हो वगैरह वगैरह मंगवाए करे बराह करम मुझे छुट्टी देने की जहमत करें। यहाँ पे आपका जो मैटर है, मौजू है, इसको जो है इसको डाल देना है, बराह करम मुझे छुट्टी देने की जहमत करें, ऐन नवाजिश होगी आपका फर्माबरदार तालिब इल्म, और जो नाम आपका होगा वो नाम देना है। ये हो गए। अब है सवाल नंबर 7, उसमें है कि आपके पास उसका खुलासा लिखना है, उसके बारे में लिखना है, तो किसी एक दर्ज ज़ैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। तो उसमें है तो 4 में है, पहला है रज़िया सुल्तान, दूसरा है कारतूस, तीसरा है कारतूस, हाँ काट का घोड़ा दूसरा है, और तीसरा है कारतूस। ये 3 जो है आपके हैं, उसमें से किसी एक को आपको लिखना है। तो उसमें है रज़िया सुल्तान पर आपको ख़ुलासा लिखना है कि रज़िया सुल्तान जो है वो एक दिल्ली की पहली मलका थी, बनी थी, वो बादशाह अलतुतमिश की बेटी थी, वो बहुत ही होनहार और तेज़ थी, अक्लमंद थी, ज़हीन थी वो, और अपने भाइयों में सबसे बेहतर थी, इसलिए बादशाह अलतुतमिश जो थे वो अपनी वसीयत में ये लिखवाए थे कि हमारे मरने के बाद हमारी बेटी रज़िया ही हमारे तख्त पर बैठेगी, और क्योंकि उनके जो बेटे थे वो नाकारा थे, लेकिन वहाँ के जो दरबार में जो अमीर लोग थे कुछ, उन्हें रज़िया को तख्त पर बैठाना मंजूर नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई जो है औरत जो है उसकी मालिक बने। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रज़िया जो है वो अपने भाई रुकनुद्दीन को उस पर बैठा देती है, तख्त पर बैठाती है, लेकिन रुकनुद्दीन एक ऐश पसंद और नाकारा निकला, और फिर एक दिन उसे दिल्ली की अवाम ने उसे कत्ल कर दिया। फिर रज़िया जो है वो तख्त नशीनी की गई उसकी, और वो गद्दी पे बैठ गई तख्त पर। उसके बाद तख्त पे बैठने के बाद उन्हें बहुत सारे काम किए, उन्हें वो बाकायदा दरबार लगाती थी, और रज़िया की हुकूमत जो थी बंगाल से सिंध तक थी, वो फ़ौज की जो थी फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उन्होंने जो बेहतर निज़ाम को बेहतर बनाया, एवाम की खुशहाली का ख़ास ख्याल किया, उन्होंने दरख्त लगवाए, कुएँ बनाए, कुतुबखाने जो है वो खोले, और फिर इससे वो एक अच्छी हुक्मरान थी। उसके बाद फिर जो है वो उसकी शादी अलतुनिया से होती है, और अलतुनिया के बाद, लेकिन अलतुनिया जो उस शादी के बाद फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसके भाई को, जो अमीर लोग जो थे कुछ, वो उसके भाई बहराम को वो गद्दी पे बैठा देते हैं, और फिर बहराम जो है वो भी एक नाकारा ही बादशाह था, वो उसके साथ रज़िया की जो अमीर और बहराम जो है उन्होंने साजिश की, और फिर रज़िया को कत्ल कर दिया गया। रज़िया जो है सिर्फ 3.5 साल ही वो जो है गद्दी पे बैठी, तख्त पे बैठी, और वो एक और, लेकिन उन्होंने इस कम मुद्दत में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन किस्म की हुक्मरान थी। एक तो पहला था, दूसरा था आपके पास ये है खुलासा था मज़मून का, वो है कारतूस। कारतूस जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि वो एक ड्रामा रहता है, ड्रामा, और ये उस ज़माने का है, 1799 का ज़माना रहता है। वहाँ एक वज़ीर अली जो थे, जो एक बहादुर थे, और
जाबाज थे, लेकिन वो जो है थे उसे जो अंग्रेज़ों से बहुत नफ़रत थी वज़ीर अली को, उसका वो चाहते थे कि उस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए वो जो है अपने कुछ जानशीनों को लेकर के जो है इधर उधर कहीं छुप के रहता था वो। और अंग्रेज़ जो थे वो वज़ीर अली की आज़ादी को बहुत ही ख़तरा महसूस कर रहे थे, और वज़ीर अली की गिरफ्तारी के लिए वो हर जगह उसे उसकी फ़ौज जो थे उसे ढूंढ रही थी। और एक बार गोरखपुर के जंगल में जो वो एक खेमा लगाकर वो जो थे अंग्रेज़, उसमें से एक थे कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट, वो खेमा जमाए हुए थे और बता रहे थे कि वज़ीर अली को जो है पकड़ना बहुत ही मुश्किल है जो है उसके। वज़ीर अली अंग्रेज़ जो थे वज़ीर अली को माजूल करके बनारस भेज दिया था पहले, और उसका वजीफ़ा भी मुकर्रर किया था। लेकिन जब उसे कलकत्ता बुलाया गया था तो कंपनी के वकील ने वज़ीर अली की बेइज्जती की थी, और जिसे वो उसे वज़ीर अली को गुस्सा आया और उसे कत्ल करके भाग गया। ये सब बातें जो थे आपस में बैठ करके कर्नल कॉलिंस और ये लेफ्टिनेंट आपस में बात करके वज़ीर अली के बारे में बता रहे थे एक दूसरे को। इतने में फिर क्या होता है कि इत्तेफाक से घोड़े की आवाज़ आती है और बहुत से धूल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो पहरेदार जो है आते हैं अंदर सिपाही एक, और कहते हैं कि लगता है कि कोई जो है कोई आ रहा है। तो आपस में कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट जो है बातें करता है, शायद कोई वज़ीर अली के बारे में ख़बर देने के लिए कोई आ रहा है। वो सवार जो घुड़सवार है वो खेमे के नज़दीक आता है और आने के साथ कहता है तकलिया, मैंने एकांत एकांत चाहिए। दोनों एक दूसरे का लेफ्टिनेंट और जो कर्नल कॉलिंस थे एक दूसरे का चेहरा तकते हैं। उसके बाद कर्नल कॉलिंस इशारा करते हैं तो फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट वो बाहर चले जाते हैं, अकेला सिर्फ वो कर्नल कॉलिंस रहता है और फिर वज़ीर अली। उसके बाद वज़ीर अली कहता है कि हमें कारतूस चाहिए, तो पूछता है कर्नल किस लिए, कहता कि वज़ीर अली को पकड़ने के लिए। तो वज़ीर अली को पकड़ने के लिए ठीक है, तो कितना कारतूस चाहिए, बताता है उस वो कारतूस सारा जो है ढेर सारा कारतूस उसे वज़ीर अली वो दे देता है, उस घुड़सवार को दे देता है वो कर्नल कॉलिंस कि ठीक है लो इसे और जा कर के पकड़ के लाओ वज़ीर अली को। जब वो जाने लगता है घुड़सवार तो पूछता है कर्नल कॉलिंस कि सुनो अपना नाम तो बता दो। कर्नल कॉलिंस तो वो घुड़सवार जो है जाते जाते रुकता है और मुड़ करके अपना नाम बताता है वज़ीर अली। उसके बाद वो खेमे से बाहर चला जाता है और गुम हो जाता है। और इसी भी जो ये सुन करके जो कर्नल थे लेफ्ट कर्नल कॉलिंस जो थे वो हक्का बक्का रह जाते हैं। उसके बाद फिर वो आते हैं लेफ्टिनेंट आते हैं और पूछते हैं ये कौन था। ये कर्नल कॉलिंस सिर्फ इतना ही कहता है कि ये एक जाबाज सिपाही था और ये थी आपकी कारतूस। तो इसको भी आप लोग डिटेल में इसके भी खुलासा क्लोक कर लोगे। और इसी में से फिर तीसरा ये है जो है एक है काठ का घोड़ा। काठ का घोड़ा भी आप लोग पढ़े होंगे। बिंदु जो है एक ठेले वाला था और बहुत ही सुस्त रफ्तार था, और बचपन में उसने एक काठ का घोड़ा ख़रीदा था और उसी से बड़ी खुशी खुशी अपने पड़ोस में गया दिखाने के लिए। लेकिन पड़ोस के बच्चों के पास उससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे महंगे महंगे खिलौने थे। किसी के पास मोटर गाड़ियाँ थी, किसी के पास हवाई जहाज़ थे, किसी के पास कुछ थे और लेकिन उसको ये अपना काठ का घोड़ा जो है बहुत ही ये कमतर महसूस किया देखा। अब वो आता है उस काठ के घोड़े को और बहुत कोशिश करता है उसे खेलने का, लेकिन उतना सही से वो खेल नहीं पाता है। वो आता है उसको अपने चूल्हे में जला देता है। उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, वो ठेला चलाता है और सुस्ता ठेला चला रहा है और सोच रहा है कि मेरे बाद भी मेरा बेटा चंदू जो है इसी तरह ठेले को वो खींचेगा चलाएगा। और इसी धुन में वो मगन था और ठेला चला जा रहा, ठेला जो है उसे चलाया नहीं जा रहा था। उसके पैर हाथ जो है कांप रहे थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद क्या होता, पीछे जो है जैसे बहुत सारी वो जो है लोग थे उसके पास, जैसे कि वज़ीर थे,
वज़ीर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कारोबारी सेठ थे, कॉलेज स्कूल के बच्चे थे, सारे लोग पीछे रह गए। सबको जल्दी जल्दी जाने की थी कि जल्दी जल्दी अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल पर पहुँचे। लेकिन जो है, इन सब से बेखबर जो था बिंदु, अपने ही मगन में जो है वो ठेला चलाने की, खींचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उससे खींचा नहीं जा रहा था। और अपने बच्चे चंदू के बारे में सोच रहा था कि मेरा बच्चा चंदू भी इसी तरह, हमारी तरह जो है वो ठेला चलाएगा। तो ये भी आपका खुलासा हो गया, किसी एक खुलासा, यहाँ पे तीन खुलासा था, उसमें से किसी एक ही को आपको लिखना है। अब सवाल नंबर 8 पे आइए। सवाल नंबर 8 का जो है पहला सवाल है, सवाल नंबर 8 है कि ज़ैल की किसी एक नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखिए। तो उस यहाँ पे तीन नज़्म है, एक है हम, एक है कदम बढ़ाओ दोस्तों, और तीसरा है पहाड़ और गिलहरी। तो लेकिन यहाँ मैं आपको तीनों का मरकज़ी ख्याल, सवाल के मरकज़ी ख्याल मैं बता रही हूँ। वैसे आपको तो कोई एक ही लिखना है। तो नज़्म, नज़्म जो है ना, हम्द है, हम्द यानी खुदा की, जिसमें हम खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं, आपको पता ही है। तो इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? तो हम्द, नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल ये है कि खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, और इस नेमतों का हमें क़दर करना चाहिए। ये नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। दूसरा है नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का मरकज़ी ख्याल, इसमें है वतन की तरक्की के लिए पुराने तरीक़े को छोड़कर नए अज़म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने की तलकीन की है। और नंबर तीसरा इसमें नज़्म है पहाड़ और गिलहरी का मरकज़ी ख्याल। तो इसमें है, इस पहाड़ और गिलहरी में जो शायर है इकबाल की जो लिखी हुई है, इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का दर्स दिया है, और कहा है शायर इकबाल ने कहा है कि ये इस कायनात की हर शय अब की अपनी अपनी जगह अहमियत है, और इस दुनिया में, इस कायनात में कोई चीज़ छोटी या बुरी नहीं, हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत और अफादियत है। ये हुआ। अब ये तो हिस्सा बे भी ख़त्म हो गया, हिस्सा अलिफ हो गया आपका पूरा, हिस्सा बे भी हो गया। अब हिस्सा जीम जो है वो आपके जो है थोड़ा सा इसमें आते हैं, मुतज़ाद। मुतज़ाद जो है इसमें आपको है, शिकस्त का होगा फतह, हयात का ज़िंदगी, मौजूद का गैर मौजूदगी, गैर मौजूद, पुख्ता का नापुख्ता। अब आप आइए सवाल नंबर 10 का मुज़क्कर मुअन्नस। मेहनत वो मुअन्नस है, मौका मुज़क्कर है, तालीम मुअन्नस है, ज़ुल्म मुज़क्कर है। सवाल नंबर 11 है, किसी का कौल या मुकालमा उसके अल्फाज में बयान करना हो तो कौन सा निशान शुरू और आखिर में लगाते हैं? तो उसका जवाब, 11 का जवाब होगा वावेन। वावेन यानी इनवाइटेड कॉमा, वावेन कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12, खुश लगाकर साबका बनाइए और अंगेज़ लगाकर लायका बनाइए। तो खुश का साबका होगा खुशगवार, खुशकिस्मत, और लायका होगा अंगेज़ का हैरत अंगेज़, दहशत अंगेज़, यह आपका लायका हो गया। अब आपकी जो है वाहिद अल्फाज जो है, जो जैल अल्फाज हैं इसमें वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। अब जैसे है रूह, ये वाहिद है, इसका जमा होगा अरवा। फौज, ये जमा है, इसका वाहिद होगा फौज, जो वाहिद है इसका जमा होगा अफवाज। किताब, जो वाहिद है इसका जमा होगा किताबें। इख्तियारात, ये जमा है, इसका वाहिद होगा इख्तियार। अब सवाल नंबर 14, उसका फेल मारूफ की तारीफ़
लिखिए, यानी फेल मारूफ किसे कहते हैं? तो फेल मारूफ उसे कहते हैं जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, या जुमले में काम करने वाला मौजूद हो, उसे फेल मारूफ कहते हैं। ये हो गया। अब सवाल नंबर 15, दर्ज ज़ैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। अब आ है तो आहो फगा, ख्वाब है ख्वाबो ख्याल, रंज है रंजो गम, ऐश है ऐशो इशरत। अब यह है सवालिया किसे कहते हैं? सवालिया पता ना, अब सवालिया निशान भी आप लोग, क्वेश्चन मार्क जो होता है, सवालिया क्वेश्चन मार्क्स देते हैं, सवालिया किसे कहते हैं? जो सवाल अपने उस्ताद से पूछते हैं, अपने वालदैन से पूछते हैं, और उस जो जुमले में है उसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब लगते हैं और क्वेश्चन मार्क है, तो उसे ही तो सवालिया कहते हैं। हाँ, यानी ये, हाँ, अब चौथा है आपका सवाल 16 हो गया, अब 17 सवाल नंबर 17, दर्ज ज़ैल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, फूला ना समाना, इसके मतलब होता है खुश होना। तो इसका जुमला होगा कि बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर वालदैन फूले ना समाए। दूसरा मुहावरा है बगले झांकना, यानी शर्मिंदा होना, अपना होमवर्क पूरा ना करने की वजह से उसे उस्ताद के सामने बगले झांकना पड़ा। तीसरा है मुहावरा है बाग बाग होना, यानी बहुत खुश होना। अव्वल नंबर पास होने की खबर सुनकर अरशद का दिल बाग बाग हो गया। चौथा है मुहावरा कॉल देना, यानी वादा करना, रघुपत पहरेदार को वापस आने का कॉल दे चुका था। ये 4 हो गए। अब सवाल हिस्सा दाल और सवाल नंबर 18, उसका पहला जो है, दर्ज ज़ैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुँचा? तो जवाब होता है छूत छात की वजह से मुल्क का एक तबका गुर्वत और जहालत का शिकार रहा। सवाल नंबर 2, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? तो उसके जवाब होंगे, रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद ये अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। उसके बाद सवाल नंबर 3, अकबर बादशाह अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? जवाब है, रघुपत ने कहा कि मैं अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता हूँ। और इसी बात से जो थे अकबर मुतासिर हुए। अब सवाल नंबर 18 का चौथा सवाल, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बना जाता है? तो आलूदा यानी गंदा, आलूदा पानी को जोश देकर ठंडा करके छाना जाता है। जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। फिटकरी डालने के बाद कपड़े से छान लिया जाता है, जिससे मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। सवाल नंबर 18 का 5वां सवाल, सआदत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बैठाया? तो जवाब है, सआदत अली जो थे अंग्रेज़ों का दोस्त था, बहुत ही ऐश पसंद आदमी था, उसने अपनी आधी मुमलकियत और 10 लाख रुपये हुकूमत के बदले अंग्रेज़ों को दिए थे। अब सवाल 19 का पहला सवाल, मॉडेम किसे कहते हैं? तो जवाब है, मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के इदादो शुमार और इबारतों को ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। सवाल नंबर 19 का दूसरा सवाल, बिंदु की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर हुआ? तो बिंदु की सुस्त रफ्तारी का जो असर है वज़ीर पे हुआ, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार पे हुआ, कारोबारी सेठ
दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स पर इसका असर हुआ। रज़िया जो थी, रज़िया सवाल नंबर 19 का तीसरा सवाल, रज़िया मीर आखोर का ओहदा किसे दिया? जवाब, रज़िया मीर आखोर का ओहदा अपने हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया। अब जो है सवाल 20, उसका पहला सवाल, ज़ैल शेर में शायर क्या कहना चाहता है? शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो जवाब है कि शायर कहना चाह रहा है कि हमें अपनी कामयाबी की सूरत नज़र नहीं आ रही है, यानी हमारी कोई उम्मीद जो है, उम्मीदें वो पूरी होती भी नज़र नहीं आती हैं। सवाल नंबर 20 का दूसरा सवाल, शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है? तो जवाब है, जंग, चूंकि जंग से अमन, शायर ने जंग को अमन आलम का खून इसलिए कहा है कि जंग से अमन आलम तबाह बर्बाद हो जाता है। दो मुल्कों की छोटी सी जंग आलमी जंग बन जाती है, इसलिए शायर ने जंग को अमन अमान का खून कहा है। अब सवाल नंबर 20 का तीसरा सवाल, पहाड़ में अपनी बड़ाई में क्या कहा? जवाब, पहाड़ में अपनी बड़ाई में कहा कि मेरे आगे तू तो क्या, ज़मीन भी कोई हैसियत नहीं रखती, ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ों को इतराने का मौका दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ तू। अब सवाल नंबर 21 का पहला सवाल, नज़्म ऐ शरीफ इंसानों के शायर का नाम क्या है? तो जवाब है, नज़्म ऐ शरीफ इंसानों के शायर का नाम है साहिर लुधियानवी। सवाल नंबर 21 का दूसरा सवाल जो है, शेर मुकम्मल कीजिए, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, ये शेर है, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, इसका दूसरा मुकम्मल जवाब होगा, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। अब सवाल नंबर है, सवाल नंबर तीसरा, 21 का तीसरा सवाल, कोई सूरत नज़र नहीं आती है से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? तो जवाब है, मुराद ये है, कोई सूरत नज़र नहीं आती का मुराद ये मतलब ये है कि कामयाबी हासिल करने के लिए कोई राह, कोई रास्ता, कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही है। सवाल नंबर 21 का चौथा सवाल, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? जवाब, क्योंकि सूरज ने हमें गर्मी और रोशनी दी है, हम जो है सूरज से गर्मी और रोशनी पाते हैं, इसलिए सूरज को जो है चश्मा कहा गया है। सवाल नंबर 21 का पांचवा सवाल, किसकी नौ पार उतरनी है? तो जो दूसरे की, जो दूसरों को पार उतारे, यानी जो दूसरों का भला करे, उसकी नौ पार उतरनी है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, अल्लाह हाफिज़।